सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज इजरा एंड यॉचिंग जर आट गोम सो टूडे आई हैव कम टू ग्लोबल स्कोडा विच इज सिचुएटेड एट बागुयाटी कोलकाता सो अगर आपको कोई भी आपका फेवरेट स्कोडा का चेकआउट करना है देन आप जरूर ये शोरूम पे आ सकते हो yeah. शोरूम का डिटेल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आप चेकआउट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो so, जो गाड़ी हम लोगों के सामने आज है गाइज दिस इज द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्कोडा कुशाक और ये जो वेरियंट आप देख रहे हो दिस इज द स्टाइल वेरिएंट विद द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और ये आपका वन लीटर टी एस आई इंजिन के साथ है सो दिस इज द न्यू लावा ब्लू कलर गाइज एज यू कैन सी वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स दिस इज सो एज यू कैन सी लुक्स रियली ब्यूटिफुल ऑन द स्कोडा कुशाक सो टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर गाइज एट द फ्रंट यू गैट दिस ब्यूटिफुल स्कोडा किडनी ग्रिल ओवर हियर विथ दिस वर्टिकल स्लॉट्स यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है यहाँ पर अगर हम लोग हेडलाइट्स की तरफ देखेंगे हेडलाइट्स में आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है ऑन योर लो बीम एंड योर हाई बीम यहाँ पर आपको हेलोजे में टर्न इंडिकेटर्स मिलता है दिस इज योर डी एंड ओवर हर आपको फॉगलाइट्स मिलता है विथ कॉर्नरिंग फंक्शन यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग मिल जाता है विद दिस वैन टाइप डिजाइन ओवर हियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट बंपर जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको ये मैट ग्रे फिनिश मिल जाएगा सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज आपको कैसा लगता है द फ्रंट लुक ऑफ द स्कोडा कुशाक कमिंग टू द साइड ऑफ द कार यू गेट वेरी मिनिमल व्हील स्लाइडिंग ओवर हियर एज यू कैन सी विद सराउंड होल कार क्योंकि ऑब्वियसली एस यी है यहाँ पर व्हील्स के बारे में अगर बात करू गाइज आपको डायमंड कार ट्रीटमेंट मिलता है एलोई है ऑब्वियसली और सामने आपको डिस्क्रेक मिल जाता है टॉक अबाउट द प्रोफाइल गाइज एज यू कैन सी टू जीरो फाइव फिफ्टी फाइव आर सेवनटीन सो टू जीरो फाइव सेक्शन टायर है और सेवन इंच आपको टायर uh, मतलब एलोई का साइज मिल जाएगा यहाँ पर आपको स्कोड़ा का लोगो मिल जाता है विद दिस ग्लॉस ब्लैक एंड दिस क्रोम हाउसिंग यहाँ पर ओ आरबीएं में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है एंड दिस इज इल्सो फिनिश्ड इन बॉडी कलर एंड दिस इज ऑटो फोल्डेबल गाइज सो इफ यू अनलॉक एंड लॉक द कार दिस विल फोल्ड एंड अनफोल्ड अकॉर्डिंगली यहाँ पर गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो फुल क्रोम फिनिश है गाड़ी का जो बी पिलर है दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड इन ग्लास ब्लैक सो दिस फील्स वेरी प्रीमियम क्योंकि ऑब्वियसली स्कोडा कुशाक इज अ प्रीमियम सेगमेंट कार यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट दिस रूफ रूफेल विद सन रूफ ओवर दैट पीछे आपको ग्लॉस ब्लैक में uh, शाक्फेन एंटेरा मिल जाता है कमिंग टू द रियर पार्ट ऑफ द कार रियर व्हील्स के बारे में अगर बात करूँगा इस रियर व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है और इसका भी प्रोफाइल सेम है टू जीरो फाइव फिफ्टी फाइव आर सेवनटीन एंड ए बी एस सी पी डी आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरियंट सो दैट इज अभी तो नॉर्म हो गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट पीछे अगर हम लोग चले जाएगा इस पीछे आपको यहाँ पर स्कोटा का बैजिंग मिल जाता है टेल टेललाइट के बारे में बात करूंगा इस आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये क्रिस्टल टाइप डिज़ाइन मिल जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस अटेंशन टू डिटेल यहाँ पर आपको एलईडी में ब्रेक लैम्प और पार्किंग लाइट मिल जाता है बट आपको जो टर्न इंडिकेटर रिवर्स लाइट है वो आपका हेलोजन में मिलेगा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है तीन पार्किंग सेंसर आपको मिलता है इज वन इज ओवर हियर वन इज हियर एंड वन ऑन दी अदर साइड और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये क्रोम पे ये बीड मिल जाता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द डिकी यहाँ पर आप देख सकते हो मिल जाएगा आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा कुशाक का बैजिंग अगर आप वन लीटर इंजिन लेंगे यहाँ पर वन पॉइंट का बैजिंग आपको मिलता है यहाँ पर रियर विंडशील्ड में आपको वाइपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प और वॉशर आपको मिल जाएगा बूट ओपन करने के लिए यू गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर सो so, बूट अगर हम लोग चेकआउट करेंगे गाइज यू गेट दिस यूज पार्सल्जर शेल्फ ओवर हियर एंड इसका जो क्वालिटी है दैट इज रियली really नाइस nice, एकदम वेलवेट टेक्सचर है सो इन टर्म्स ऑफ मतलब कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी में यू कैन फील इट व्हेन यू लुक एट द दुशाक यहाँ पर सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट आपको मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लिप है गाइज आपको मिलेगा बट ज़्यादा नहीं है यहाँ पर आपको बूट लैम्प मिल जाता है फिनिश्ड इन हेलोजन और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस इज ओवरऑल रियली गुड अगर आप हाउस ट्रांसफर करेंगे देन द कुशाक विल बी मोर देन एडिक्वेट फॉर यू क्योंकि ये लगेज स्पेस जो है दिस इज पीडी सो आपका बड़ा जो लगेज है यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा सभी so चलते हैं गाइज रियर सीट पे सो so, रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डुअल फिनिश मिलता है दिस इज इन ब्लैक दिस इज इन व्हाइट यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाता है पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है स्पीकर प्लेसमेंट हियर एंड यू कैट अज बॉटल होल्डर ओवर हिस्टर कमिंग टू द सीट्स यहाँ पर आपको थ्री एडजस्टेबल हेड मिलता है सो so ऑब्वियसली फॉर द मिडल पैसेंजर ऑल्सो सेफ्टी इज केप्ट इन माइंड यहां पर सीट जो है ये पूरा आपको लेदर एड फिनिश में मिलेगा एज यू कैन सी फुल लेदर एड फिनिश इज ओवर हिस्टर विथ परफोरेटेड ट्रीटमेंट आई सो फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिलता है सो so, चलिएगा इस अभी बैठता है अंदर एंड लेट्स यू आर दर्ड फ्रॉम द डोर सो द डोर्स क्लोज विद प्रॉपर हार्ट नो कम्प्लेन्स देर सो यहाँ पर लेगरूम के बारे में अगर बात करूंगा इस दिस सीट इज अकॉर्डिंग टू तो माई ड्राइविंग पोजीशन मेरा हाइट अराउंड सिक्स फीट है एंड आप लेगरूम एक बार चेकआउट कर लीजिए मेरे लिए बहुत है कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हो अंडा थाई सपोर्ट इज ऑल्सो रियली गुड यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएगा दो ए सी वैन नीचे आपको यहाँ पर दो यू एस पी टाइप की चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर विथ के बारे में अगर बात करूँगा इस दो बंदे के लिए कुशाक एकदम सही है आराम से लेट कर जा सकते हो इस गाड़ी में तीन बंदे के लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा बट एक चीज़ जो है यहाँ पर जो अमरेस्ट है ये थोड़ा मतलब क्या बोलो मतलब उभर के रहता है सो थोड़ा आपको मिडिल पैसेंजर के लिए पीछे दिक्कत हो सकता है ऊपर आपको यहाँ पर रीडिंग लैम मिल जाता है जो कि आपका एल फिनिश में है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डोर हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विथ अ हुक सभी बात करते हैं इस हेडरूम के बारे में सो हेडरूम इन द कुशक इज रियली गुड आप देख सकते हो एस है टॉल बॉय डिज़ाइन है सो so, हेडरूम के मामले में आई हैव एब्सोल्युटली नो कम्प्लेन्स इवन द सीट्स गाइस सीट्स एकदम बहुत ही कंफर्टेबल है अगर आप मतलब थोड़ा जो ड्राइवर है वो अगर थोड़ा रैश ड्राइविंग करता है तो पीछे आपको ये सीट्स एकदम मतलब हक करके रखेगा इतना कंफर्टेबल है इवन द रिक्लाइन एंगल इज आल्सो रियली गुड सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एट द बैक इट्स अ बिग थम्स अप एंड फीचर वाइज तो मैंने आपको दिखा दिया आपको क्या क्या मिल जाता है सो so चलिए गाइज अभी चलते हैं सामने सो so सामने में भी, भी इस स्टाइल वेरियंट में बहुत कुछ आपको मिलेगा सो so क्या क्या मिल जाता है लेट जम्प टू द फ्रंट एंड आई शो यू वट वट यू गेट सो ओपनिंग द फ्रंट डोर गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डुवेल फिनिश मिलता है दिस इज इन ब्लैक एंड दिस इज इन व्हाइट यहाँ पर पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है ओनली द ड्राइवर साइड इज वन टच डाउन एंड वन टच अप यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है फिनिश्ड इन क्रोम नीचे आपको यहाँ पर बॉटल ओल्डर मिल जाता है यू गैट अमरल ओल्डर ओवर हियर विच इज अ नाइस अटेंशन टू डिटेल एंड यू गेट अ स्पीकर प्लेसमेंट हियर एंड ब्यूटीफुल एक जो ट्रीटमेंट है वो है यहाँ पर यू गेट दिस नर्ल फिनिश ओव हियर विच इज नाइस अटेंशन टू डिटेल टॉकिंग अबाउट द सीज गाइज यहाँ पर आपको um, नॉर्मल मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा सीट्स आपका फुल लेदरेड फिनिश में है विद दिस परफोरेशन ट्रीटमेंट और यहाँ पर आपको डुअल स्टिचिंग uh, मिल जाता है फिनीश्ड इन ऑरेंज कलर सीट का जो बोलस्टिंग है दैट इज ऑल्सो रियली रियली गुड आप देख सकते हो एकदम हक करके रखेगा सीट्स एंड आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है यहाँ पर आपको नॉब मिल जाता है फॉर योर हेडलाइट गाइड्स सो ये आपको ऑटो हेडलाइट के लिए है दिस इज फॉर योर पार्किंग लाइट दिस इज फॉर योर हेडलाइट इसको एक बार पुल करेंगे फॉर योर फॉग लाइट्स फ्रंट फॉग लाइट्स और इसको और एक बार पुल करेंगे दिस इज फॉर योर रियर फॉग लाइट्स और यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिलता है सो so चलिए गाइज अभी बैठते हैं अंदर सो सिटिंग इन साइड द कुशाक इज एप्सोलिटी नॉट अ प्रॉब्लम डोर्स का भी थर्ड एक बार सुन लेते हैं सो द डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड सो गाइज चाबी यहां पर आपको मिल जाता है एज यू कैन सी सो यहाँ पर तीन बटन आपको मिलता है दिस इज टू लॉक योर कार दिस इज टू ओपन योर बूट और ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए फ्लिप की आपको मिलता है इवन दो दिस कार है इस पुस्ट बटन स्टार्ट और स्कोटा का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है सभी so करते हैं गाइस थोड़ा गाइस स्टार्ट एंड यहाँ पर इग्निशन में देते हैं गाइस सो so, गाड़ी अभी इग्निशन में है एज यू कैन सी सो टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड गाइस यहाँ पर आपको डुअल फिनिश मिल जाता है ऑन योर डैशबोर्ड सो दिस इज इन ब्लैक यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक में ट्रीटमेंट मिलता है विच फीव वेरी वेरी प्रीमियम कोडा का एम्बलेम आपको यहाँ पर मिलता है एंड यू गेट दिस ब्यूटिफुल नर्ल्ड फिनिश हो वही हयर थोड़ा प्रीमियम नेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर नीचे ग्लव बॉक्स अगर हम लोग चेकआउट करेंगे गाइस ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पर कूलिंग uh, फंक्शन मिल जाता है अलॉन्ग विथ सम स्पेस हो वही हयर सो स्पेस के मामले में इट्स अ बिग थम्स अप यहाँ पर यू गेट दिस स्मॉल टच स्क्रीन सिस्टम गाइज दिस इज एन एट इंच यूनिट जो 1.5 लीटर है उसमें आपको बड़ा सा वो टच स्क्रीन मिलता है बट दिस इज अ बिट स्मॉल इसका फंक्शन मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद यू गेट योर ए सी वैन सो बाई हर और ये आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो एज यू कैन सी यू गेट सम बटन जो बाई हर ये आपका वेंटिलेशन सीट के लिए फॉर द को पैसेंजर साइड या आपका हैजर्ड लाइट स्विच है दिस इज योर सेंट्रल लॉकिंग बटन या आपका ड्राइवर वेंटिलेशन सीट के लिए बटन है एंड दिस इज योर ऑटो आइडल सिस्टम बटन यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन मिल जाता है गाइस ए का फंक्शन आपको यहां पर मिलता है सी so, आपको ए ऑन करने के लिए दिस इज टू स्विच ऑन योर यो एसी कहां पर एयर भेजना चाहते हो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो दिस इज योर टेम्परेचर कंट्रोल आपका एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन है एंड यहां से आपका रियर डिफॉगर और दिस इज योर फ्रंट डिफॉगर सो ये सब टच कंट्रोल है गाइस नीचे आपको यहां पर मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग यू गेट योर डुवेल्व यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ओवर गई है ट्वेल्व वोल्व का सॉकेट है दिस इज योर सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टेड यूनिट गाइस सिर्फ वन पॉइंट फाइव में आपको डी uh, मिलेगा दिस इज अ टॉप कन्वर्टर यूनिट यहाँ पर आपको की रखने का जगह मिल जाता है डुअल काफ होल्डस यू गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक आमरेज विथ सम्पेस इन साइड एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी ऊपर अगर हम लोग देखेंगे गाइस ऊपर आपको यहाँ पर मिररर मिल जाता है जो कि आपका ऑटो डिमिंग है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी मिररर गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर आपको रीडिंग लाइन मिल जाता है फिनिश्ड इन एलईडी यहाँ पर आपको वाई में मिलेगा मिररर बट नो लाइट और यहाँ पर आपको मिलेगा टिकट होल्डर नो मिरर एंड नो लाइट सनरूफ का कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलता है गाइस सु जस्ट प्रेस दिस वन टच है गाइस सबका जो सन रूफ है दैट इज ओपनिंग एज यू कैन सी सो इतना तक ही जाता है इससे पीछे और नहीं जाएगा बट ओवरऑल सन रूफ का जो स्पेस है दैट इज ब्रिलियंट इसको क्लोज करने के लिए यू जस्ट प्रेस दिस बटन और आपका जो सन रूफ है दैट इज क्लोजिंग बट आपका जो सन ब्लाइंड है वो आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा टॉक अउथ द टच स्क्रीन सिस्टम ओवर हियर गाइस इट्स अ गुड टच स्क्रीन सिस्टम नॉट अ कम्प्लेन बट इट इज नॉट एज गुड एज द वन यू गेट ऑन द वन पॉइंट फाइव लीटर इंजन सो इसमें ऑब्वियसली आपको एंड्रॉडो एप्पल कार प्ले मिलेगा बट या मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये आई लाइक दी अदर वन बेटर बट उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा सो दैट इज देर बट ओवरऑल इफ यू बाय दिस कार देन मतलब ये सिस्टम जो है इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा एज यू कैन सी व्हीकल स्टेटस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सो यू गेट अ लोज ऑफ फंक्शन ओवर हियर एज यू कैन सी बहुत कुछ आप यहाँ से सेट कर

इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गई है और यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा टू ब्राउज टू दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गई है यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल आपका इंडिकेटर और पासिंग लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा मतलब स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको वाइपर का कंट्रोल्स मिलेगा पैडल शिफ्ट भी आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में सो दैट इज अस टच टॉक वो दू इट्रूमेंट क्लस्टर गाइज ये आपका फुल डिजिटल यूनिट है एज यू कैन सी यहाँ पर आपका टेम्परेचर लेवल है दिस इज आर पी एम लेवल या आपका टाइम दिखा रहा है दिस इज आउटसाइड टेम्परेचर या आपका गाड़ी का रेंज दिखा रहा है एंड यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल है एंड ओवर हयर एज यू कैन सी यू गेट द टोटल ओडो रीडिंग ओवर हयर विद द गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर गाड़ी का जो वार्निंग लाइट्स है वो दिखा देता है यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका स्पीड इन डिजिटल दोनों तरफ आपको यहाँ पर इफार्मेशन दिखा देता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से कंट्रोल uh, कर सकते हो सैज यू कैन सी फाई प्रेस दिस देन यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका टोटल स्पीड इन एनालॉग यूनिट यहाँ पर आपका स्पीड इन डिजिटल एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर इसको फिर से अगर मैं प्रेस करूँ देन यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज य इफॉर्मेशन अबाउट योर कार ओवर हिर यहाँ पर आपको आरपीएम लेवल दिख रहा है दिस इज अ स्पीड इन डिजिटल दिस इज अ गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर और इसको मैं फिर से अगर प्रेस करूँ देन दिस गोज बैक टू द सेम स्क्रीन और यहाँ पर आपको आरपीएम लेवल दिखा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन का इज आपको कैसा लगा द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन द स्कोडा कुशाक स्टाइल वेरियंट मुझे तो अच्छा ही लगा वेरी वेरी गुड ग्राफिक्स क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है सो टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ दिस कार इज विजिबिलिटी ऑन द स्कोडा कुशाक इज रियली गुड मुझे बॉनेट आराम से दिख रहा है ये मेरा ड्राइविंग हाइट है पीछे का भी विजिबिलिटी इज गुड अगर तीनों हेडरेस्ट ऊपर किया हुआ है देन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेडल इज इ गुड यहाँ पर भी आप देख सकते हो विजिबिलिटी इज रियली गुड ऑन दी ओ आर वी एम्स ऑल्सो आप देख सकते हो चेकआउट कर लीजिए सो गाइज दिस वॉज माई डिटेल इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बी एस सिक्स फेस टू स्कोडा कुशाक स्टाइल वेरियंट जो वन लीटर इंजिन के साथ आ रहा है सो लेट मी नो आपको कैसा लगा इंटीरियर रिव्यू और एक जरूर लाइक भी दे दीजिए बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल